स्कूल था ये। सब देख रहा है। अटेंशन टू ऑल माय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं, मैंने पिछले क्लास में ये वादा किया था कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होमवर्क दिए जाएंगे उनका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने पिछले क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 22 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, जिसमें से 18 का आंसर मैंने बता दिया था। अब मैं शुरू कर रहा हूँ 19, 20, 21 और 22। ये होमवर्क था, बहुत खुशी की बात है 22 स्टूडेंट्स ने इसका जवाब यूट्यूब पे जाकर दिया। देखने वाले कितने थे? 157। इसे पता चल रहा है 157 में पढ़ने वाले सिर्फ 22 हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक किसी को एक स्टूडेंट जो हर एक वीडियो में एक डिसलाइक डालते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है आप डिसलाइक डालते हैं लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स पे उसका कारण बताएं, क्यों आखिर आप डिसलाइक करते हैं, मैं उसे सुधार करने का कोशिश करूंगा। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आखिर आपको लाइक करने में क्या आता है? इतने लोग देखते हैं और लाइक का बटन दबाने में कितना देर लगता है आप लोगों को दोस्तों, है ना? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम आते हैं पिछले सवालों का जवाब। जो होमवर्क था आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या था, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा? तो उसमें ऑप्शन था निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, बोथ एंड नन। तो दोस्तों लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इनका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर, ए में लिखा हुआ है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, उनका डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये पी का भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन और लेंथ का भी डायरेक्शन, दोनों ही निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले है, फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और आपको चुनना है कि किसमें से कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो पहले इंटेंसिटी है, बाद में पोटेंशियल है, तो श्योर एक इंटेंसिटी वेक्टर है आपने पढ़ा है, और पोटेंशियल पोटेंशियल क्या है स्केल, कोई भी पोटेंशियल हो, याद रखिए तीन तरह का पोटेंशियल आपको देखना पड़ता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आगे मैग्नेटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। पूरे ध्यान में याद रखें कि कोई भी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है और कोई भी इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें ए नंबर में, ए नंबर ही होगा 20 नंबर में, क्योंकि पहले वेक्टर फिर स्केलर, इंटेंसिटी वेक्टर है ना, इसलिए पहले वेक्टर होगा और बाद में फिर क्या होगा स्केलर होगा, क्योंकि बाद में पोटेंशियल है। अगर ये एग्जाम में अगर पहले पोटेंशियल कर दे बाद में इंटेंसिटी कर दे तो आपको क्या लाना है, अब स्केलर पहले होगा वेक्टर बाद में होगा। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो यूनिट होता है, एक तो न्यूटन पर कूलम है ना, न्यूटन पर कूलम, और दूसरा वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर जो सी में आएगा, सी में चुके कुछ लोग सिर्फ ए मार रहे हैं कुछ बी मार रहे हैं तो गलत है, आप क्वेश्चन को ध्यान से, दोनों ही आंसर है हमारा, इसलिए आंसर हमारा जो होगा बी एंड सी, ए एंड बी बोथ, वो कहां आ रहा है हमारा सी में आ रहा है, न्यूटन पर कूलम भी और वोल्ट पर मीटर भी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड ऑन पोजिशन, इसका मान होगा 2:1। इस वजह से मनीष कुमार, सदत नगमा और बादशाह और फिर महजूब और फिर जिलानी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पे जाके इसका आंसर दिया, बहुत खुशी की बात है। आप इसी तरह से मेहनत करें है ना, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे ना, कुछ कोशिश कीजिए, एक्टिव बनिए और फिर हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो दोस्तों आज हम आपको शुरुआत करने जा रहे हैं चौथा चैप्टर, हमारा चौथा चैप्टर एक्चुअल स्टैटिक का जो है वो है कंडेंसर या
कैपेसिटर। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है कंडेंसर या कैपेसिटर। कंडेंसर आपने देखा होगा पंखा में कंडेंसर लगा रहता है, कंडेंसर या इसको कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, पंखे में आपने देखा होगा कंडेंसर, किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में एक कंडेंसर लगाया जाता है जिसका काम होता है पंखे का कंडेंसर खोल दें तो आप क्या देखेंगे वो बहुत धीरे चलता है, इसमें स्पीड कम हो जाता है। स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको जो है कंडेंसर की जरूरत होती है। तो कंडेंसर क्या करता है, काम होता है इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को बढ़ाना। तो इससे पहले आपको ये जानना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो इसलिए हमारा इस चैप्टर का जो हीरो होगा, हम कहते हैं हर चैप्टर में कोई ना कोई हीरो होता है, इस चैप्टर में हमारा जो हीरो है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम जो है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस शॉर्टकट में कैपेसिटेंस कहते हैं। ये होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारिता, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें वैद्युत धारिता। ये व्हाट इज दिस, वैद्युत धारिता क्या है, द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जों को जो स्टोर करने की क्षमता होती है उसी का नाम होता है विद्युत धारिता। कंडेंसर क्या करता है, चार्ज को पहले स्टोर करता है जिससे पोटेंशियल बढ़ जाता है और आपका पंखा तेज स्पीड से चलने लगता है पोटेंशियल। तो चार्ज को स्टोर करना मतलब जमा करना, संचित करने की क्षमता को, द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इग्निशन होगा द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। और कैपेसिटेंस, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से, इट इज डिनोटेड बाय सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, आप सोचें इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला डिफिनेशन से निकलता है, फॉर्मूला क्या होगा इस पर आप विचार करें, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या कर रहा है, ये चार्ज को स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल में वृद्धि होगी, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा, इसका जो वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज इक्वल टू द, ये बराबर होता है टू द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है ऑफ जितना चार्ज आप सप्लाई करें, चार्जेस जितना सप्लाई किया, चार्जेस स्टोर्ड, जितना चार्ज उन्होंने स्टोर किया, एंड इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज स्टोर करने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का मान कितना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट ने स्टोर किया और फिर चार्ज को स्टोर करने के बाद उनकी जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ेगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उनका बढ़ेगा, तो जितना चार्ज सप्लाई किया या स्टोर किया उसको डिवाइड कर देंगे इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल डिफरेंस से, वही हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होगा। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से नोट करें, मैं नोट करने का टाइम दे रहा हूं, नोट कर लें। अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं,
उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा, ऑब्जेक्टिव समझ लिया होगा। नए चैप्टर का शुरुआत कहां से हुआ? कंडेंसर से हुआ, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी से हुआ। इस चैप्टर में यही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ही छाया हुआ होगा, इसलिए मैं इसको नाम हीरो देता हूँ। हर फिल्म में हीरो का पूरा रोल होता है, एक्शन होता है, इसमें सारा खेल इस चैप्टर में सी आएगा। कम से कम ये आप 100 से ज्यादा टाइम सी आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, सारा काम ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पे ही करना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका सबसे आखिरी चैप्टर शुरू हुआ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। क्या हुआ दोस्तों, इसका हीरो इस चैप्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस डिनोटेड बाई सी, सी का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज स्टोर दैट इज क्यू एंड इंक्रीजमेंट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं एक बार फिर से इसे नोट में लिखना चाहूंगा। ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया आपका सी इक्वल क्यू बाई बी। क्यू क्या है दोस्तों, याद है ना, चार्जेस सप्लाई या चार्जेस स्टोर, स्टोर चार्ज कर सकते हैं, स्टोर किया जितना चार्ज स्टोर्ड चार्ज है चार्जेस, और वी है इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल डिफरेंस, इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो सी का फॉर्मूला, सी से क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या कैपेसिटी। इससे एक फॉर्मूला ये याद करें, क्यू का क्या फॉर्मूला होगा, सी वी, सी इंटू वी। वी का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाई सी। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसी से ऑब्जेक्टिव बने। आपको क्या कहते हैं, कौन सा सही है, कभी सी कभी क्यू कभी वी के फॉर्म में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इसका ऐसा यूनिट। अच्छा पर ये बताओ, स्केलर है या वेक्टर है दोस्तों, सोचो क्या होगा, ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, क्या होगा दोस्तों। देखिए फॉर्मूला देखिए, चार्ज बाई पोटेंशियल, चार्ज के बारे में पढ़ा स्केलर, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा स्केलर, स्केलर बाई स्केलर दैट इज स्केलर। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आदेश राशि है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। अब तो आप इतना तो ट्रेंड हो चुके होंगे कि आप खुद से यूनिट निकालें, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, कैपेसिटेंस का क्या यूनिट होगा बताइए दोस्तों। चार्ज का यूनिट क्या पढ़ा, कूलम्ब, बाई, बाई क्या होगा, पोटेंशियल हो पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसका यूनिट वोल्ट होता है, कूलम्ब पर वोल्ट। लेकिन ये जो फेमस है वो फैराड के नाम, फैराड, फैराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, ज्यादा फेमस जो है वो फैराड ही है। इसलिए याद रखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा के ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कूलम्ब पर वोल्ट इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, फैराड। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, क्या दोस्तों क्या होगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, आप निकालें। चार्ज का डायमेंशन याद है ना, एटी या आईटी दो लेना आपने, नीचे आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, याद है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल हो क्या था, एमएल स्क्वायर, टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, एम पे पावर प्लस वन है ऊपर गया माइनस वन, एल पे पावर कितना होगा माइनस टू, टी पे देखिए माइनस थ्री प्लस वन टी टू डी पावर फोर, ए पे पावर माइनस वन प्लस वन क्या होगा ए स्क्वायर, एम इनवर्स एल इनवर्स टू
टी टू दी पावर 4 ए स्क्वायर, या कहीं कहीं पे कभी कभी ए के जगह पे आई मिलेंगे तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का दोनों ही डायमेंशन होता है, कभी एग्जाम में ऑप्शन ए मिलेगा तो कभी आई मिलेगा। आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। तो ये सब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी स्केलर हो गया, इसका यूनिट यूनिट तो याद अभी कर लें, क्या होगा फैराड अगर आप कंडेंसर खरीदने जाए ना, पंखा में कंडेंस पंखा शुरू, गर्मी का दिन है पंखा शुरू हो जाता है, आप कंडेंसर बदलने का आपको सलाह दी जाती है, तो उसमें देखिए लिखा रहता 1.5 माइक्रोफेराड, तो आपको ये बताना है कि माइक्रोफेराड कितना होगा। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, 1 माइक्रोफेराड इक्वल कितने फेराड होंगे, बहुत आसान सवाल है। माइक्रोफेराड U4 क्या होता है, माइक्रोफेराड, माइक्रो F4 फेराड हो गया कितना होगा, इसी तरह से आपको बताना है 1 मिली फेराड कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इसी तरह से 1 पिको फेराड होगा तो कितना होगा, 1 पिको फेराड, ये सब जनरली जो है ना मिली माइक्रो नैनो पिको में ही इनका है ना यूज होते हैं, फेराड एक बिग यूनिट होता है, इसलिए ज्यादातर ये माइक्रो मिली पिको नैनो में यूज होंगे। 8, 9, 10 ये 3 ऑब्जेक्टिव आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। उम्मीद है आप जरूर YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देंगे। धन्यवाद।